रायपुर स्वास्थ्य विभाग को मिली 20 नई एम्बुलेंस, अब 300 नई शासकीय एम्बुलेंस सड़कों पर, इनमें 29 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी। स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य योजना की आयोजित बैठक में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में हुई चर्चा। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा। रायपुर केंद्र सरकार के द्वारा बारदाने में कटौती किए जाने से प्रदेश में धान खरीदी प्रभावित होगी और इसका सीधा नुकसान प्रदेश के किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020 से 21 में अनुमानित धान उपार्जन 95 लाख मैट्रिक टन हेतु लगभग 4.75 लाख गठान बारदानों की संभावित आवश्यकता है। रायपुर प्रदेश में ठंड की शुरुआत होते ही एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आज दुर्ग रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए। राजधानी के मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक बूंदाबांदी होने की जताई संभावना। बादल छटते ही कोहरा और बढ़ेगी ठंड। बिलासपुर सरकंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने किया लूटपाट के 6 मामलों का खुलासा। अलग अलग प्रकरणों में लूटपाट करने वाले 3 नाबालिग समेत 15 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों से बाइक मोबाइल सहित 2 लाख से अधिक नकद बरामद। रायपुर पढ़ने लिखने की उम्र में छोटे छोटे नौनिहालों को भिक्षावृत्ति के दंश में झोंकने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। शहर में हो रही भिक्षावृत्ति से चिंतित राजधानी पुलिस ने शहर के कई थाना क्षेत्रों में जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन की टीम के साथ चौक चौराहों पर भिक्षावृत्ति पर कर रहे लोगों के खिलाफ चलाया अभियान। डोंगरगढ़ अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,27,000 रुपए की अंग्रेजी शराब सहित स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया है। दुर्ग नंदिनी थाना के सिमरिया पेट्रोल पंप और ट्रक ड्राइवर से लाखों रुपए की ठगी कर फरार शातिर को दुर्ग पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। आरोपी कुणाल सिन्हा 4 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। रायपुर डॉक्टर द्वारा लिखे दवाई के स्थान पर राजधानी के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर स्टाफ द्वारा नीम की दवा के स्थान पर दिया मिर्गी की दवा। मासूम की गलत दवा से तबीयत और खराब हुई, पीड़ित ने घटना की शिकायत की। कोरबा रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत पौड़ी बहार बस्ती में एक घर में खून से लथपथ एक महिला की मिली लाश। पति पत्नी के बीच चरित्र संदेह को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार।